السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक छोटी सी गुजारिश है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको अपनी जगह भेज दें या खाने का इंतजाम कर दें। बड़े हजरात सामने आते बैठे ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحْبِلْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب في البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه मुअज़्ज़ज़ सामीन पूरी मोहब्बत के साथ शौक के साथ उल्फत के साथ प्यार के साथ अदब के साथ
इहतराम के साथ इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। स्टेज में आने जाने का जो माहौल है थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। मुझे जलजले का डर हो रहा है। जितना सुकून के साथ बैठेंगे उतना अल्लाह ताला बोलने की भी तौफीक देंगे, सुनने की भी तौफीक देंगे, बोलने वाले और सुनने वालों को अमल की भी तौफीक देंगे। ये कोई शादी नहीं है बल्कि नबी की सीरत का जलसा है। मोहताज बनकर बैठो, तालिब बनकर बैठो, जरूरतमंद बनकर बैठो। जैसे कोई भूखा खाने के इंतजार में बैठता है वैसे आशिक नबी की सीरत के इंतजार में बैठे। वरना जलसे मोहब्बत का सबूत नहीं, सालाना एक रिवाज बन जाएगी। दुआ करते हुए बैठे, मैं भी दुआ करते हुए बैठा हूँ। अल्लाह बोलने की तौफीक दे, मुझे भी आने की सआदत दे। आप भी दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको भी पूरी मोहब्बत के साथ सुनने की तौफीक दे। इंशाल्लाह जो सुनेंगे हम उसी में अमल करेंगे। चलो शार सुन ले पहले। पढ़ू की नको पढ़ू? मौलवी को पूछ को मसाला पीसे सका होगा है ऐसा। कोई अच्छे अशआर नहीं है नबी की मुहब्बत में से। और ये भी सुनो, ओ मलक से अफजल पार्लियामेंट में इमरान प्रताप गढ़ी साहब शेर पढ़ते हैं, मोदी जी जेल में बैठे रहते हैं, समझ में आता है? देखो कितना अच्छा शेर है। ओ मलक से अफजल है, अंबिया से आला है। पूरे बिल्कुल जोर से बोलना, सुभान अल्लाह। नहीं तो 12 बजे तक बैठ जाते। सुभान अल्लाह। घर को बुला ले सर। हम बोलो के इनको बोल लेते। ओ मलक से अफजल है, अंबिया से आला है। रब के बाद ही सबसे
के बाद ही सबसे बढ़ के कमली रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली यूं तो भी हाली यूं तो भी हाली उनकी परवरिश की है यूं तो भी हाली मानी उनकी परवरिश की गई सच तो बेहनी माँ को सच तो बेहनी माँ को मुस्तफा ने पाला सच तो बेहनी माँ को मुस्तफा ने गारे सोरे में देखा गारे सोरे में देखा मुशरिकी ने मक्का ने आजते को आपकी हिफाजते को मकड़ियों का जाला आपकी हिफाजते को मकड़ियों का जाला है वो मलक से अफजल है अंबिया से आला है रब के बाद भी सबसे बढ़ के कमी वाला है और एक बार तरह शरीफ पढ़ने कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा मजा दो चीजों में है इसके बाद कुरान पाक के बाद मतलब कुरान पाक के पढ़ने और सुनने के बाद सबसे ज्यादा मजा दो चीजों में एक अजान में दूसरा नबी की नात में एक इसमें अजान में अल्लाह करे कि आप हजरात की इस हादिस की बात को समझे दर्द उलमा इकराम के बीच में बैठकर अर्ज कर रहा हूं जिस तरीके से अजान देना जिस
इस्लाम देते तो आसमानी दुनिया में इस्लाम का कोई दुश्मन न होता। एक तो अजान के कलिमात खूबसूरत, दूसरा अजान के कलिमात बरहक, तीसरा अजान के कलिमात सच्चे। चौथा अजान का अंदाज निराला। चौथा क्या? अजान का अंदाज निराला। पांचवा, अगर हमारे मस्जिदों का माइक सिस्टम अच्छे से अच्छा हो जाए, जैसे आपके जलसे का है, रब्बे काबा की कसम, जमाना ये सोचेगा अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या होगा। आइए बस समझ में सीखो, आप लोग सीखो, अजान सीखो। एक औरत आपा मुझे फोन करी, मुझे फोन आते रहती तुम्हें डूब करो एक ही रिश्ता है ना मोहब्बत का। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का है। भाई का भाई से रिश्ता पाप से बना, भाई का भाई से रिश्ता मां से बना, शौहर का बीवी से रिश्ता निकाह से बना, मौलाना का मौलाना मुरीद का मुरीद से रिश्ता शायद से बना, सारी दुनिया के मुसलमानों का मुसलमानों से रिश्ता कुरान से बना। तुम्हारा खून अलग, मेरा खून अलग, तुम्हारे अबू अलग, मेरे अबू अलग, तुम्हारा दूध अलग, मेरा दूध अलग, तुम्हारे अपनी अलग, मेरे अपनी अलग। समझ में आ रही है बात? अबू अपनी के तो समझ में आ गई, नहीं मम्मी डैडी। अब समझ में आती बात? उर्दू में बोला तो समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में बोलना डैडी मम्मी। अबू अपनी शॉर्टकट में चल रहा है, डैड मैम का बकरी का बच्चा। हिंदुस्तान में है हिंदी न छोड़ो, कर्नाटक में है कन्नड़ न छोड़ो, लेकिन उर्दू का दामन भी न छोड़ो। पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, प्रोफेसर बनो, एजुकेटर बनो, सब कुछ बनो, लेकिन हमारी अपनी जुबान उर्दू की थी, उर्दू है, उर्दू रहेगी, क्योंकि उर्दू एक अच्छी और प्यारी जुबान है। रब्बे काबा की कसम, बेंगलुरु की उर्दू सुने तो सर का दर्द आता है, असल उर्दू सुने तो इंशाअल्लाह ताला रूह बाग बाग हो जाती है। डैडी बोले में मजा है कि अब्बा बोले में मजा है? अब्बा फोटा मिल जाते डैडी, अम्मी बोलो अम्मी, मैम बोले तो भी माँ, अम्मी बोले तो माँ नहीं, एक दो तीन चार और पीछे भी उलेमा बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, मैम भी बोलेंगे तो माँ, लेकिन अम्मी बोले तो माँ नहीं है। अम्मी का जो या होता है या ये निस्बत, अम्मी का माना आता है मेरी अम्मा।
सिर्फ माँ बोले तो अलग मोहब्बत, मेरी अम्मा बोले तो अलग मोहब्बत। देखो उर्दू का क्या अच्छा निराला अंदाज है। बागंदी हो जाएगी। नबी के अखलाक पर दो चार बातें अर्ज करना है, मुकदमा पेश कर रहा हूं। नाम के अशआर पढ़ते पढ़ते आपके अंदर नाम की मोहब्बत पैदा करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए कि आपका रिश्ता मेरा रिश्ता, अलग है कौन, आपका अलग मेरा अलग, आपके अब्बा अलग मेरे अब्बा अलग, आपकी अम्मी अलग मेरे अम्मी अलग है, आपका खानदान अलग मेरा खानदान अलग है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपका धर्म मेरा धर्म एक है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आपस में जोड़ कर रखा नहीं, रिश्ता भी बताया। सारी दुनिया के ईमान लाने वाले आपस में भाई भाई हैं। इन्नम المؤمنون إخوة مؤمنين, आपस में क्या है, भाई भाई है। मैं तुम्हारा भाई, मानते नहीं मानते, अरे जोर से बोलो रे बाबा, मैं आज से तुम्हारा भाई, मानते दिल से, मानते सच्ची मानते, तो फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। अब कैंसल, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम ना, मेरी प्रॉपर्टी मुझे, कौन सी प्रॉपर्टी लेकर कौन दुनिया में हमेशा रहना है, क्या लिए तो भी छोड़ना है, क्या नहीं लिए तो भी छोड़ना। लफ्ज अजान सीखो, अजान, अजान के कलिमात अच्छे, अजान के कलिमात बरहक, अजान के कलिमात सच्चे, अजान का तर्ज अच्छा, माइक सिस्टम भी अगर अच्छा हो जाए, रब्बे काबा की कसम देने का मजा ही कुछ और, देने का मजा ही कुछ और होता है। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ओ प्यारो दीन पहुंचाओ दरवाजा दरवाजा, अगर मुश्किल हो जाए अजान की आवाज पहुंचा दो, ये भी दावत है, ये भी तबलीग है। मौलाना जब अजान पर बोल रहे थे तो बात क्या आ गई, सीखो अजान सीखो, सीखेंगे इंशाल्लाह। एक औरत फोन करी मुझे, मां मैं ऊपर ही न गया समय, हजरत हमें भी अजान सीख सकते हैं क्या, हजरत सीख सकते हैं, सीख सीख आप अजान सीख, अजान सिर्फ नमाज के लिए ही अल्लाह ने नहीं उतारा, अजान के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, अरमास के लिए भी अजान है, इसके अलावा शैतानों को भगाने के लिए अजान मुजर्रब अमल है। रात में बच्चे नहीं सोते, अजान पढ़कर कान में फूको, सीने में फूको, इंशाल्लाह बच्चे सो जाए, डर के उठते हैं बच्चे, अजान पढ़कर फूको, इंशाल्लाह ताला बच्चों का डर शैतानी खत्म हो जाएगा। हमारे अकाबिर ने लिखा है, जादू का तोड़ भी अल्लाह ने अजान के अंदर रखा है। कभी कभी खुद पढ़कर खुद पर भर कर लो, जिस घर में शयातीन होते हैं उस घर में अजान देने से शयातीन भाग जाते हैं, शैतान को अजान की आवाज पसंद नहीं। मेरा इशारा समझो, मैं कहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंचो, शैतान को अजान की आवाज पसंद नहीं, जिसे अजान की आवाज पसंद नहीं वो शैतान है, शैतान। इसमें अजान की आवाज जहां तक जाती है, मेरे रब की कसम
सुनो, जिसकी सीरत सुनने के लिए बैठे हैं उसका एहसान जरा सुनो। आका ने पूरी जिंदगी अपने गुलामों पर से शैतानी असरात खत्म करने के लिए एक जबरदस्त अमल सुन्नत के तवक में अदा किया। क्या? तुम्हारे घर अगर बच्चा पैदा हो जाए, सबसे पहले उसे पाक करो। पाक करने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम ही क्या? उसके कान में अजान पढ़ो। अजान दादा का इंतजार मत करो, नाना का इंतजार मत करो, चाचा का इंतजार मत करो, मामा का इंतजार मत करो, ताइबा का इंतजार मत करो। अजान देने में देर मत करो, वरना शैतानी हमले बच्चों पर फौरन पड़ते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रात के 4 बजे पैदा हुआ, नर्स आकर कहती है, मरहबा मुबारक आपको बेटा हुआ, मरहबा मुबारक आपको बेटी हुई। फौरन नर्स से कहो, लाओ बच्चे को, मैं अजान देता हूँ। बच्चों के अजान देने के लिए मजमे की जरूरत नहीं। दादा रह गया तो कबीहा, नाना रह गया तो कबीहा, चाचा रह गया तो कबीहा, मामा रह गया तो कबीहा। अगर नहीं रहा तन्हा, खानदान की जो औरत वहां रहती है उसके हाथ में गोद में बच्चे को देकर फौरन अजान पढ़ दो, पूरी जिंदगी बच्चा शैतान से महफूज रहे। हमारा किस्सा क्या मालूम? डिलीवरी हुए तक होने वाले बच्चे का मामा 16 को रहता, दादा 16 को रहता, चिच्चा चुनखाले को रहता, अस्पताल में बच्ची के दर्द और गम में शरीक उसका बाप रहता। होने वाले बच्चे को सिर्फ उसके बच्चे का टेंशन होता है, लेकिन हामिला औरत के बाप को अपनी बच्ची का, फिर उसके बच्चे का टेंशन होता है। सही बोलो नहीं बोलो? अरे मुंगिया भी कहता है बाबा, मेरी बच्ची भी सलामत ढूंढो, उसका पेट आबाद था आज से उसका गोद आबाद रहे। सब इन रास्तों से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरा भी यही दर्द है, आप में से बड़े लोगों का भी यही दर्द है। नौजवान में दर्द तुम क्या पहचान, तुम क्या पहचान ये दर्द? बच्ची का बाप अस्पताल में तड़पता रहता है, दुआ करता रहता है, अल्लाह मेरी बच्ची के पेट को तूने आबाद किया, मेरी बच्ची के गोद को भी आबाद कर दे, बच्चा भी सलामत रहे, बच्चा भी सलामत रहे। अब रात को 3 बजे डिलीवरी हुई तो जच्चा सलामत बच्चा सलामत, माहौल बता रहा हूँ, आगे बढ़ना है। जच्चा सलामत बच्चा सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। उसी वक्त फोन मैसेज व्हाट्सएप सब बिजी रहता। अब मणिवाल में जलसे में सुनिया ना, फौरन अजान देना बोलकर वहां रहा सो नाना, फौरन अगर अजान दे दिया तो फिर दूसरे दिन क़यामत, मेरे बच्चे तुमने कहीं को दिया अजान दिए? अब चल रहा नहीं चल रहा? फिर दादा आका, मेरी दादा मेरे बगैर कैसा भी तुम्हें अजान दिए? नाना बोलता मुजम्मिल साहब। कौन ये मुजम्मिल साहब? फिर चिच्चा बोलता मेरे बगैर कैसा दिए अजान? हालांकि जितने रोना रमले को रोते नहीं, उनमें से एक को भी अजान देना नहीं आता। क्या हजरत? फिरौन नमरूद की तरह जो रमते नहीं, हाँ हूं बोलकर एक को भी अजान देना नहीं आता। शुक्र अदा करना, मैं नहीं था वक्त पर। चलो हाफिज साहब,
हमें देना ये भी बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं बच्चे को अजान देते वक्त पूरा खानदान सामने हो। मौलाना बैठे है पूछो कोई मसला है किताबों में, मौलाना बैठे है पूछो कोई मसला है किताबों में कि अजान देने के लिए एक मजलिस का इंतजाम करो, महफिल का इंतजाम करो। मौलाना बैठे हुए हैं, जामे मस्जिद के इमाम साहब बैठे हुए हैं, है कोई किताब के अंदर के अजान देने के लिए मजमे का इंतजाम करो। अरे मेरे प्यारो जरा गौर करके देखो, जो अजान नमाज के लिए नाजिल हुई बाद में दूसरे फजीलतों के लिए भेजा गया, वो अजान नमाज के लिए दी जाती है तो उस अजान के लिए मजलिस नहीं है, तो बच्चे की अजान के लिए मजलिस क्यों? फौरन बदलना अजान अमल करेंगे इंशाअल्लाह। लंडा में माना से ज्यादा और जुलूम क्या मालूम, बिल बनना सो नाना, अजान देते वक्त हमना सो दादा। हाँ 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 वो भी पहली पहली बिल नहीं आया, खरीम में वाकई आया है मेरे पास, अभी 15-20 दिन नहीं गुजरे है, पहली बेटी हुई पहली बिल नाना, इत्तेफाक से दूसरी भी बेटी पैदा हो गई। बच्ची का बाप साफ कह रहा है बेटा होता तो दिल जाता था, बेटी होगी मैं नहीं देता। अल्लाह अकबर, ये वो मुसलमान है जिसे तेज के शर्माए हूं। आज भी है मौलाना, आज भी है ये सब नारे बेकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उन लोगों के नारे हैं जिनके गोद में बच्चे नहीं है, ये उन लोगों के नारे हैं जिनके घर आबाद नहीं है, ये सब खोखले नारे हैं। अगर बेटी बचाना था बेहोता तो अब तक बेटी बचाने के बिल पास हो जाती, बेटी पढ़ाने की बिल पास हो जाती। जो बिल पास करना वो भी आज मुल्क पास नहीं कर रहा है, बेकार के बिलों में पूरे मुल्क को परेशान कर रखे हैं। आप भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो या गैर मुस्लिम मेरे भाइयों में हो, आज भी घरों के अंदर बेटियां पैदा होती है तो सूरत जानवरों से बदतर है। ये दो बच्चों का जो प्यार है ना, ये फैमिली प्यार नहीं है। कहीं बच्चे पैदा करे तो बेटियां ज्यादा पैदा ना हो जाए, इस डर का प्यार है। ये तो इस्लाम की बात है, प्यारे आका की बात है। इसे मैं जुमला समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, प्यारे आका की बात इस जमाने का जबरदस्त फलसफा है। कसरत से अगर बच्चे हो तो उसका नसीबा ही कुछ और होता है। दो बच्चे रखने वाले आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। चार पांच बच्चे रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापों में शाहाना जिंदगी है, शाहाना। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, जगत गुरु ने कहा, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो। किससे कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से कहा। और ये बात पक्की है, हमें कम बच्चे पैदा करे, हम ही को अल्लाह के बाद पालना है। ज्यादा बच्चे पैदा करे अल्लाह के बाद हम ही को बच्चों को पालना है। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई डाउन करने वाला नहीं, कोई हमारे बच्चों के एजुकेशन में साथ देने वाला नहीं, सिर्फ कानून पेश करने वाले हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है, बच्चे ज्यादा पैदा करो, इसका फायदा हम ही को है। इसलिए कि मौलाना आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, दो बच्चे रखने वाले बुढ़ापे में मोहताज है, दो बच्चे रखने वाले बुढ़ापे में बच्चों के मोहताज है। जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं ना, वो माँ बाप बुढ़ापे में बच्चों के मोहताज नहीं होते। इन्हें गया तो उन्हें पालता, उन्हें गया तो इन्हें पालता, इन्हें गया तो उन्हें पालता। चारों के चार अगर तरबियत याफ्ता हो, चारों के चार पालते हैं, वो बाप अपने घर का पीएम रहता है, वो बाप अपने घर का सीएम होता है। बगैर कमाए की इनकम दो बच्चे इत्तेफाक से, एक बेटा एक बेटी, बेटी चले जाती,
शोहर के साथ बेटा भी चले जाता बीवी के साथ, बड़वा में नहीं जाता क्या? नहीं जाता क्या? तो बोलो शिवाजी नगर के पूरे रिश्ते हाथ लगा तू क्या? बेटी भी जा रही है, बेटा भी जा रहा है गोरू के पीछे, जबरदस्त प्लान। हमारी बच्चियां तरबियत से खाली है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये बच्चियां यहां बैठी हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीच का एक पैगाम देना चाहता हूं, तुम तुम्हारे शौहर को उसके माँ बाप से जुदा मत करो, अगर करोगी तो सिर्फ 18-20 साल इंतजार करो, तुम्हारा बेटा जब बड़ा होकर शादी होगी उसकी, उसकी बीवी तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा करेगी। वो जमाना अलग था, 50 साल का गुनाह कभी होता था, सजा कभी मिलती थी, ये जमाना अलग है प्यारो, प्यारशन प्यारी दोस्ती प्यारी, अब गुनाह करे सुबह को सजा, सुबह को गुनाह करे शाम को सजा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। आज हम पर जो जुर्म हो रहा है, हमारे नबी के शान पे जो गुस्ताखी हो रही है ना, इन तमाम हालात को देखकर हम दो चीजों का इंतजार करते हैं, एक मौत का एक कयामत का। जब मर जाओगे हकीकत खुल जाएगी, जब कयामत आएगी फैसले हो जाएंगे। मर गए हकीकत खुल जाएगी, कयामत आएगी फैसले हो जाएंगे। जो लोग, जो साइंटिस्ट, जो पढ़े लिखे लोग कयामत का इनकार करते थे, आज साइंस को सामने रखकर, बार बार सूरज ग्रहण को सामने रखकर, बार बार चांद ग्रहण को सामने रखकर, मौसमों की तब्दीली को सामने रखकर, अब वो साइंस दान भी कुरान के सामने घुटने टेक चुके हैं, प्यारे आका के फरमान के सामने घुटने टेक चुके हैं। मेरे पास एक खबर है मौलाना, अमेरिका के एक अखबार की जो अंग्रेजी जुबान में है, मैं मुझे एक अंग्रेजी पढ़ने वाले ने मुझे भेजा, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अमेरिका की साइंस इस बात को मान चुकी है कि आसमान से नीचे जमीन के ऊपर जितने प्लैनेट्स हैं, सितारे और सैयारे हैं, इनकी रफ्तार आज से 100 साल पहले की रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, इनका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, इनका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। और वो सही दान कहता है करोड़ों प्लैनेट्स में खाली दो सितारे आपस में टकरा जाए, जमीन का निशान तक नहीं रहेगा। दो करोड़ों है ना सितारे सियारे, मैं भी स्कूल पढ़ा हूं बाबा, और मदरसा में पढ़ाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मदरसे में पढ़ने वाले जाहिल नहीं होते, आलिम होते। जानते हो फर्ज में तो कितने एग्जाम का इल्म है, मौलाना बयान कर रहे थे, तमाम बातें याद आ रही थी, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह कहीं ना कहीं मौलाना के बयान में मुझे टच कर दे, अल्लाह ताला टच कर रहा है। नौजवान आलिम दीन 10 मिनट के अंदर मटन पेश कर दिया। जानते हो कुरान के अंदर कितने किस्म का इल्म है,
कितने किस्म का इल्म जानते हो। हम तो बड़ी सादगी के साथ कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, कोई मर जाए तो पढ़कर उसके लिए इसारे सवाब करते हैं, लेकिन कुरान की हकीकत तक हम लोग नहीं पहुंचे। हमारे मुफस्सिरीन पहुंचे, हमारे मुहद्दिसीन पहुंचे, हमारे औलिया पहुंचे। इब्नुल अरबी एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, नाम याद रखना, नाम है इब्नुल अरबी और एक अल्लामा है इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहिम। फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर टोटल 70 पर 7,450 किस्म का इल्म है। बात लंबी हो जाएगी, मुकदमे में अटका हूं, मुकदमे में अटका हूं। लाखों करोड़ों है आसमान से नीचे जमीन के ऊपर कुत्ता, और साइंस की हत्या पहले आसमान के नीचे, इब्तिदा क्या जमीन के ऊपर, ये साइंस की हद है। लेकिन अल्लाह का करम, उलमा ने मोहम्मद की हद क्या है, जमीन के अंदर भी है, आसमानों के ऊपर भी है। आपकी मेरी हत्या है, हम जमीन के अंदर के हालात भी जानते हैं, आसमानों के ऊपर के हालात भी जानते हैं, डायरेक्ट नहीं जानते, हमारे नबी ने बताया हम जान रहे हैं, हमारे नबी ने बताया हम जान रहे हैं। आप नबी के शान में गुस्ताखी, कुरान के शान में गुस्ताखी, इस्लाम के खिलाफ हम सबर इसलिए कर रहे हैं, हालात बहुत नाजुक हैं, हम दो चीजों का इंतजार कर रहे हैं, एक मौत का, एक कयामत का। मौत आएगी, हकीकत खुल जाएगी, कयामत आएगी, फैसला हो जाएगा, वहां कोई किसी को नहीं बचाएगा, वहां कोई किसी का नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फैसले का एक दिन रखे, अल्लाह तबारक व तआला दूध का दूध पानी का पानी करके बता देते, अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए हम उस दिन को हर नमाज की हर रकात में याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। काटता हूं बात को, प्यारे आका ने जो फरमाया कसरत के साथ बच्चे पैदा करो, इसका फायदा क्या है, खुद पैदा करने वाले को है। दो बच्चे पैदा करते हैं तो अजीब इत्तेफाक है, एक बेटा एक बेटी, बेटी भी चले जाती, बेटा भी अभी बोला ना बाबा चले जाता। मैं तो पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ आप लोगों की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से, असातिज़ा की दुआओं से, करिया करिया शहर शहर जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हालात मैं अपने आंखों से देखता हूँ। मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बेटे किताबों का भी मुताला करो, हालात का भी मुताला करो। मौलाना इसी रियासत कर्नाटक के अंदर, मैं शहर का नाम लेना नहीं चाहता, एक शहर को बयान के लिए गया, बयान के बाद चाय का इंतजाम एक घर के अंदर था, घर क्या था मेरे दोस्तों, इस जमाने की जन्नत अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इतना बड़ा घर, इतने कमरे, क्या तालीम, क्या लाइट, क्या पार्किंग, सब कुछ है, जबरदस्त घर है, वहां चाय का इंतजाम 10-15 साथियों को, मैं भी वहां था और चाय पी रहा था, घर की तारीफ मेरे जुबान से निकल गई। अरे अच्छी चीज देखते हैं तो तारीफ करना कि नहीं करना, घर की तारीफ जैसे ही मैं किया तो घर वाले के आंखों से आंसू आ गए, फौरन कहने लगे कि मौलाना मौलाना इतना बड़ा घर है,
लेकिन इस घर में सिवाय मेरे और मेरी बीवी के और कोई नहीं है। बेटी की शादी हुई, बेटी भी चले गई, बेटे की शादी हुई, बेटा भी बेंगलुरु सेटल हो गया, और हम पैदा हुए यहाँ, जवान हुए यहाँ, शादी हुई यहाँ, बच्चे हुए यहाँ, अब बची कुची कुछ जिंदगी हमारी बाकी है। हम चाहते है कि नहीं जिंदगी गुजार कर चले जाए, लेकिन बेटी पर कहीं एतराज नहीं, लेकिन हमारा बेटा हमारा न हो सका। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ऐसी औलाद दे जो हमारी फरमा बरदार हो। बेटा दे बेटी दे ये कभी दुआ मत करो। अल्लाह ताला बेटा दिया तो भी ले लियो, बेटी दिया तो भी ले लियो, फरमा बरदार औलाद का मिल जाना अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हमें गरीबी, हमारा बच्चा गरीबी, लेकिन हमारा बच्चा हमें हमारा फरमा बरदार रहा करोड़ों करोड़ों की दौलत से बेहतर है। दो बच्चे रहे तो ये आपत, दस बारह बच्चे रहे तो क्या क्या गिरे मालूम। छह सात बेटा था, छह सात बेटियां, बेटियां की शादी होकर चल जाती, बेटेदार की शादी होकर घर में रहती। को से तू भी बेटे की बीवी नींबू उतार को मुट्ठी में कर को, चलो जी हमें अलग चल जानी है बोलकर बोली। बेटा आपको बाबा को बोले अब्बा हैदराबाद में नौकरी लगी, भैया तू जा फैमिली के साथ जाना जा तू जा रहे पहले जाबा बोलता, फैमिली के साथ जा तू बेटा क्या बोलता जा रहे माफी चाहता हूँ ऐसा पाँव डाले तू चलेगा तो क्या देवासी अभी छह सुतूना ही बन जाए। बोलता नहीं बोलता कसरत औलाद वाला एटी से पैदा होगा अगर हैदराबाद में नौकरी लगी मैं जाऊंगा तो रखो माँ रखो रे धने को रे तू चलेगा तो हमारा कौन रे तरक का बाबा पैगंबर के फरमान का फायदा किसे हो रहा है। पैगंबर के फरमान का फायदा किसे हो रहा है। आज दुनिया मान चुकी है मेरे प्यारो, आज दुनिया मान चुकी है ये एक फरमान नबी का अल्लाह की कसम जिसे आपका सुन्नत कहते, लेकिन हकीकत में वो हमारे लिए फायदा है सेहत है। कभी करीब में मौलाना सज्जाद नौमानी दावत बरकातहू हमने एक जबरदस्त वाकया बयान किया। वजू करते कि नहीं करते बरमान वाले करते नहीं कितने वक्त करते पांच ही सोते वक्त नहीं करते। आपसे एक सुन्नत बताता हूँ सुनो, सोते वक्त भी वजू करके सो। ये अल्लाह की सुन्नत थी, सहाबा का अमल था, औलियाउल्लाह का अमल था, इसलिए कि सोने के बाद उठने की गारंटी नहीं है। अन्नौमु उत्तुल मौत, आका ने फरमाया नींद मौत की बहन है। तकरीबन तकरीबन हालात नींद के मौत के बराबर होते हैं। फर्क ये है मरने वाले में रूह नहीं होती, लेकिन जिंदे आदमी जब सोता है तो उसके अंदर रूह रहती है। सोना मौत का बहन है, सोते वक्त भी वजू करके सो। अगर सोने के बाद मौत आ गई इंशाअल्लाह ताला खुदा से मुलाकात वजू की हालत में होगी। औलियाउल्लाह वजू टूटिया तो वजू करते थे, सहाबा वजू टूटिया तो वजू करते थे, सहाबियात घर का काम भी हालत वजू में करते थे। आपा सुन, तुम्हारी हमारी वो माएं जिनका नाम किताबों में है, तुम्हारी हमारी वो माएं जिनका तस्करा किताबों में है, वो नमाज ही के लिए वजू नहीं करते थे, खाना पकाए तो भी वजू करके खाना पकाते थे, रोटी पकाए तो वजू करके रोटी पकाते थे, बच्चों को दूध पिलाए तो वजू करके दूध पिलाते थे, आहा कपड़े धोए वजू करके कपड़े धोते थे। आज ये अमल है आपा तेरे पास, मुझे माफ कर, मैं बदले में जमाना हूं, इस्लाह गिरा दे
टोपी से दूर, आज तू हुजूर से दूर, तेरा बच्चा तारी से दूर, आज तू हुजूर से दूर, तेरा बच्चा नमाज से दूर, आज तू हुजूर से दूर, तेरा बच्चा कुरान से दूर, आज तू हुजूर से दूर, तेरा बच्चा शर्म और हया से दूर, आज तू हुजूर से दूर, तेरा बच्चा अदब से दूर, तेरा बच्चा अखलाक से दूर, तेरा बच्चा हिम्मत से दूर, हुजूर करके हमारे और आपकी माए दीन का काम ही नहीं दुनिया का काम भी करती तो हुजूर करके करती। भाई जी पुस्तानी काफी वक्त हो गया, आज पहली मरतबा मुझे यहां इतना वक्त मिला है तो जावी भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ देर बैठ जाए, बिरयानी ठंडी नहीं होती, होगी तो मैं बोल को गर्म करा दो। हमारे अब्बा बोलते हैं ईमान ठंडा होने का उतना डर नहीं जितना बिरयानी ठंडा होने का डर है। हमारा ईमान ठंडा हो गया भाई, जरा बस भाई बस साहब को साहेब फोटो पकड़ पकड़ तो मेरा कलर ही चलेगा। कोई गोरा था कि साहब छोड़ो दीन की बात सुनो, दीन की बात तवज्जो के साथ सुनो, कितनी अच्छी बातें अल्लाह तआला दे रहा है। कमाल मेरा नहीं अता अल्लाह की है, कमाल मेरा नहीं अता अल्लाह की है। सुनो मेरे प्यारो, अमल जिंदा करो, अमल जिंदा करो, इंशाअल्लाह ताला अमल अगर हमारे अंदर जिंदा हो जाए यही अमल हमारा ताकत बन जाएगा, दुश्मनों का जवाब आसान हो जाएगा। इशारा समझे, समझे इशारा। हमारी ताकत हमारे नबी की सुन्नत है, बादल ताकत नहीं, पिस्ता ताकत नहीं, गोल मीठा ताकत नहीं, डाबर चपन परास ताकत नहीं, हरीरा ताकत नहीं, जिम ताकत नहीं। नौजवान जिम्मा में बोल रही चार सस्ते वजन में मारते नहीं, सौ गंगा मानी के अंगूठे में बाबो मैसूर का फिरेगा और इसके सर में बनाना। असल ताकत अपने अंदर पैदा करो ईमान की, असल ताकत अपने अंदर पैदा करो सुन्नत की, असल ताकत अपने अंदर पैदा करो नमाज की, असल ताकत अपने अंदर पैदा करो तिलावत की, असल ताकत अपने अंदर पैदा करो शर्म और हया की, असल ताकत अपने अंदर पैदा करो पर्दे की पर्दे की, असल ताकत अपने अंदर पैदा करो हया की। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मुखाबले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे नारे काफी रहेंगे। पत्थर कभी कर बेअमल नारों से कुछ नहीं होगा, बेअमल नारों से कुछ नहीं होगा, नारों के अंदर पावर पैदा करना है, ईमान मजबूत करो, नारों के अंदर पावर पैदा करना है, नारों को नमाज से भरो, नारों के अंदर पावर पैदा करना है, हलाल से नारों को भरो, तकवे से नारों को भरो, तहारत से नारों को भरो, उसके बाद देखना जमाना दुश्मनों का नहीं, जमाना गुलामा ने मोहम्मद का, जमाना दुश्मनों का नहीं, जमाना गुलामा ने मोहम्मद का होगा। अर्ज कर रहा था हुजूर के बारे में बोल रहा था, मेरी माँ और बहने कसीर तेजाब में बैठी हुई है, आज
मैं तोहफा देना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगे। हर हालत में वुजू की हालत में रहो, जब तुम्हारे ऊपर नमाज हो तब भी तुम वुजू की हालत में रहो, जिन दिनों में तुम्हारे लिए नमाज माफ है उन हालात में भी तुम नमाज वो वुजू की हालत में रहो, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। बायजीद बुस्तानी नाम याद रखना, मरवाल के मुसलमानों हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत बायजीद बुस्तानी, तमाम औलिया का उस जमाने के औलिया का इत्तेफाक है, उस जमाने के औलिया का इत्तेफाक है कि उस जमाने के तमाम औलिया में बायजीद का मर्तबा इतना था जितना तमाम फरिश्तों में जिब्राइल का मर्तबा। कम से कम 50 वाकियात मुझे याद है बायजीद बुस्तामी की सीरत के, लेकिन एक वाकिया बोलता हूँ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रात में एक मरतबा 3-4 बजे घर को आए, कितने बजे 3-4 बजे घर को आए, दरवाजा खिटखिटाए, पहले जमाने में दरवाजा मारना था दोस्तों, अब तो दौलत बोल रही है बटन मारे, क्या खूबसूरत म्यूजिक, मेहमान बटन मारता मेजबान अंदर डांस करता, मेहमान बटन मारता मेजबान अंदर डांस करता, अब म्यूजिक भी चले गई, अब खूबसूरत जुमले आ गए औरतों की आवाज में, आहा इस्लाम के हया पर कुर्बान हो जाओ, खामखा औरतों की आवाज सुनना भी इस्लाम में जायज नहीं, जरूरत हो तो औरत की आवाज बाहर निकले, जरूरत ना हो औरत का निकलना उसकी आवाज भी बाहर ना निकले, इसको इस्लाम कहते। अब इस्लाम की दुश्मनी में औरतों को बाहर क्या लेकर आए, औरतों की इज्जतों पर जो हमले हो रहे हैं ये औरतों के बाहर निकलने की वजह और सबब है। इसीलिए प्यारे आका जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, औरतें घर के अंदर रहने की दौलत है, मर्द मेहनत करके संभालने वाला एक जिम्मेदार है, जिम्मेदार। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा उलमा इकराम इस उन्वान पर आपके सामने बात करेंगे, औरतें बाहर ना आए, औरतों की आवाज भी बाहर ना आए, औरतों का साया भी नजर ना आए। इसीलिए कहां पर मानते हमारा धर्म है मेरे प्यारों, मैं शान के साथ कहता हूँ, हमारा मजहब है मेरे दोस्तों पूरे फखर के साथ कहता हूँ, हमारे पैगंबर का दिए पैगंबर की दी हुई अमानत है मैं पूरे फखर के साथ कहता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की शरीयत के मसाइल देखो औरतों, खासतौर पर सुनो, जब तुम कपड़े धोकर सूखने के लिए डालती है, फुकहा ने फरमाया मर्दों के कपड़े सूखने के लिए जहां चाहे वहां डाले, लेकिन औरतें अपने कपड़े सुखाने के लिए भी पर्दे का इंतजाम करें, क्योंकि उनके बदन पर नहीं बदन से जुदा कपड़ों पर भी गैर मर्द की नजर पड़ना बेहयाई है ना। असल में समझो मेरे प्यारो, समझो मेरे दर्द को, समझो मेरे दर्द को, समझो इस वक्त के हालात के जिम्मेदार दुश्मन नहीं हम ही हैं। अब तक हमने सही इस्लाम जमाने को बताया नहीं, हया नहीं बताई, शर्म नहीं बताया, तकवा नहीं बताया, पता नहीं कि कियामत में दुश्मनों से ज्यादा सवाल होगा कि हमसे ज्यादा सवाल होगा। मैं तो ये सोचता हूं खुदा की कसम, खुदा की कसम, खत्म करो खत्म, बेलना भी सादे सीधे रखो, टीम टीम के रखो। ये घर में बैठा था मैं, दरवाजा बंद था, बड़े साहब का घर है, बड़े लगा ना साहब, पैसा पैसा, सड़न आवाज आ रही है, सलाम अलैकुम, जरा मेहरबानी दरवाजा खोलिए, इनके बाप का घर है, बोलने के वास्ते क्या कहता है कुरान, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम
हत्ता तस्ता अनिसु वतु संगी मुआना आती हा दरवाजा मारो सईद पे खड़ जाओ सुभान अल्लाह दरवाजा मारकर दरवाजे के सामने मत करो खड़ो क्योंकि अंदर वाला अगर दरवाजा खोले सड़न तुम्हारी नजर घर के अंदर पड़ी वहां कोई औरत हो ये भी बेपर्दगी में जाती है सुभान सलाम करो हराम अठारवा पारा इजाजत लो यहां तक कुरान कहता है हजरत घर में हूं मैं गया हजरत के घर को दरवाजा मारा हजरत अंदर रहकर कौन पूछे मैं जवाब दिया मैं मुसम्मिल रशादी वाला का ही आया हूं मौलाना अंदर रहकर ये कह ले कि मुसम्मिल साहब अब मैं मिल नहीं सकता कल आ जाओ मैं खुशी खुशी वापस आऊं तो ये मेरे ईमान की अलामत है कुरान कहता है वैदा खील लको मुर्जिऊ फर्जिऊ हुआ अज़का लकुम आ क्या इस्लाम क्या फरमाए क्या बोला ना मैं आपको तो मैं बाद में आओ बोल बोल करके ना अगर मैं गुस्सा किया तो समझ जाना कि मेरा दिल कभी साफ नहीं हुआ आज दोस्त भी है तुम्हें तो तुम्हें मैं तुम्हारे घर को आपको मैं मौलाना सलाम को आओ बोल कर तुम्हें बोल डाले तो फिर मेरे गुस्से को तुम्हें बर्दाश्त करेंगे बहुत सीख लो इस्लाम में बहुत सीख लो दीन में सब कदम करो सब कदम बायजी कुस्तमी अहमदुल्लाह रात के 3 बजे घर को आते हैं दरवाजा खटखटाते हैं अम्मा पूछती है अंदर से कौन मारते ही आवाज आ रही है इसके अंदर का एक सबक पढ़ो बाहर बेटे मस्जिदों में जागते थे अंदर माए घरों में जागती थी आजकल तो हमें रातों में अल्लाह के दरबार में जागना छोड़ दिया रातों में अल्लाह के दरबार में जागना छोड़ दिया मेरे शेख उसके आलम फरमाते हैं तहज्जुद की सुन्नत तकरीबन खत्म होती जा रही है जिसकी वजह से उम्मत परेशानी में मुब्तला है कभी कभी पढ़ लिया करो हफ्ते में एक मरतबा पे तहज्जुद पढ़ लो मेरे प्यारो कम से कम 15 दिन में एक मरतबा तहज्जुद पढ़ो कम से कम साल में एक मरतबा तो तहज्जुद पढ़ो कम से कम रमजानुल मुबारक में सेहरी के लिए उठते हैं सेहरी करने से 10 मिनट पहले उठकर तहज्जुद पढ़ लो ये जमाना कौन सा है मालूम उंगली काटो शहीदों में शामिल होगा हफ्ते में एक मरतबा 15 दिन में एक मरतबा तहज्जुद नहीं पढ़ सकते मेरे शेख के आलम फरमाते हैं फजर इबादत है ज़ोर इबादत है असर इबादत है मगरिब इबादत है ईशा इबादत है लेकिन तहज्जुद अल्लाह की मोहब्बत है फजर पढ़ोगे इबादत का फजा होगा ज़ोर पढ़ोगे इबादत का फजा होगा असर पढ़ोगे इबादत का फजा होगा मगरिब पढ़ोगे इबादत का फजा होगा ईशा पढ़ोगे इबादत का फजा होगा तहज्जुद पढ़ोगे मोहब्बत का फजा होगा तहज्जुद के जो 4 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बंदा नदामत के सलामों से बदल जाती है तकदीरें
बोलो बरकत दी सुनना ले गए मने नीना रे बाबा नदामत के चरावों से बदल जाती है तकदीर अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं पढ़ेंगे तातिक पढ़ेंगे रोज बोलकर वादा लेना नहीं चाहता कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो पढ़ो कौन कौन हफ्ते में एक मरतबा पढ़ेंगे हाथ उठाना सच्चे हाथ उठाना और भी सवाल सामने आने वाला है हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ समझ में आई बात हमारे अब्बा बोलते हाथ उठाना इंशाल्लाह बोलना नारे मारना मुसलमानों की पहचान है हफ्ते में एक मरतबा कौन कौन तहजूद पढ़ेंगे हाथ उठाओ माशाल्लाह चलो ये लोग हाथ नहीं उठाना हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो 15 दिन में कौन पढ़ते हाथ उठाओ माशाल्लाह माशाल्लाह तो हफ्ते में पढ़ने वाले पूरे ही माशाल्लाह मैं शिवाजी नगर छोड़ को यहाँ आते पहुंचे औलिया का मोहल्ला हो गया अल्लाह करे कि सही हो जाए समझ में आई बात है फजर जो है असर हमारी पड़े आदमी पक्का मोमिन मुसलमान होता है तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह का वली होता है पढ़ो प्यारो आप आओ ये पूरे वादा भरपूरा को नहीं तुझे भी टूट कर उठा अब्बा को टूट कर उठा शोहर को टूट कर उठा भाई को टूट कर उठा बेटे को मुझे माफ कर मेरे आपा तू क्या तहज्जुद को उठाएगी अगर फजर को उठा लेती फजर के वक्त मस्जिदों का यह हाल ना होता फजर को नहीं उठाती फजर को उठा तहज्जुद को उठा सही कहती है मर्दों के नींद के मुकाबले में औरतों की नींद बहुत कमजोर है साइंस डॉक्टर कहते हैं और सच भी यही है मर्दों की नींद अंबुजा सीमेंट मर्दों की नींद क्या है अंबुजा सीमेंट सोया तो सोया उठाते उठाते मैं जमीन में पड़ जाती है कि चलेगा ऐसा सोते औरतों की नींद वैसी नहीं रत्ती टक तो उठ जाते दूध वाला आया तो उठ जाते बराबर 7 बजे उठना को तो उठ जाते और अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है आपा तेरी नींद का कमजोर होना भी अगर तेरी नींद भी मर्दों की नींद की तरह सख्त होती कितने बच्चे माँ के आगोश में मर जाते कितने बच्चे माँ के आगोश में मर जाते लेकिन बच्चा सोता माँ के बाजू बच्चा खाली खूब कभी उठ जाती पती नहीं होती रत्ती पिशाब उन्हें उसके बिस्तर में करता इधर माँ उठ जाती ये अल्लाह का करम है अल्लाह का करम है वो कभी भी बच्चा बोला अबू आप में तुम्हारे बाजू सो तू सो अबू सोचते ही पूरे पिलाना चौपट हो गया समझा अब सुना लिया अबू बच्चे को रात में बब्बू बच्चा क्या कर डाला उशु कर डाला पूरी रात बच्चा भी सो रहा पूरी रात बाबा भी सो रहा सुबह को उठ को बाबा इजतिहाद करता उन्हें मुझ जाती नहीं मुझ चलता नहीं चलता आपा की नींद बहुत कमजोर अल्लाह अकबर की सजा से तू नहीं उठती ताज्जुब अशहदु अल्ला इल्ला इल्लल्लाह की सजा से तू नहीं उठती ताज्जुब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज से तो नहीं उठती ताज्जुब है हय्या अलस सलाह की आवाज से तो नहीं उठती ताज्जुब है हय्या अलल फलाह से तो नहीं उठती ताज्जुब है अरे उठाने के लिए तो खास जुमला फजर की नमाज में है अस्सलातु कैदुम मिनन नौम उससे भी तो नहीं उठती तो तुझ पर ताज्जुब है ताज्जुब है ताज्जुब है पढ़ो मेरी माए और बहने दुआएं करो वक्त होता आज जो जहन मेरा खुला इस पर मैं आपको और 1.5-2 घंटा बिठाता लेकिन नहीं हम कानून की रक्षा करने वाले कानून तोड़ने वाले नहीं है परमिशन का जो वक्त है
उस वक्त में हम खत्म करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए यमदिल्ले का दामन भी नहीं थामेंगे। हम उससे पहले खत्म करेंगे, दो चार मिनट दे दो, मैं अधूरी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, तहज्जुद पढ़ो। बायजीद बुस्तामी रात को 4 बजे आकर दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से माँ पूछती है, कौन? अम्मा तेरा लाल बेटा बायजीद आया है। माँ डर के दरवाजा खोलती है, कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं? अरे बायजीद हो तो क्या हुआ, किसी माँ के बेटे ही तो है। अबू हनीफा हो तो क्या हुआ, किसी माँ के बेटे तो है। इमाम शाफी हो तो क्या हुआ, माँ के बेटे है ना। राजा गरीब नवाज हो तो क्या हुआ, माँ के बेटे है ना। बंदे नवाज हो तो क्या हुआ, माँ के बेटे है ना। कौन दरवाजा खोल कर, माँ कई सवाल करती है, क्या हुआ बेटे, तेरे कैसी है बेटे, क्या तकलीफ देना बेटे, क्या बेटे, कभी भी तुम्हें बदर के बाद आपसे सोना बेटे, आज कहीं को बेटे इतना जल्दी आ गए? तो माँ ने कहा कि अम्मा असल में खुशखबरी सुनाने के लिए आया, आपा सुन ले, दामन में घाटी डालकर लेकर जा, आपा सुन ले, दामन में घाटी डालकर लेकर जा। अम्मा ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया। माँ ने पूछा क्या बेटे खुशखबरी? बायजीद ने कहा अम्मा ईशा के बाद पूरी रात अल्लाह की इबादत करने की नीयत से 10-15 मिनट सो जाता हूँ, उठता हूँ, थकान खत्म हो जाती है, पूरी रात इबादत करता हूँ। अम्मा जान खुशखबरी ये है, ये रोजाना जब 20-25 मिनट सो रहा हूँ नहीं, 20 दिन से अम्मी जान रोजाना ख्वाब में नबी की जियारत हो रही है। 20 दिन से मुसलसल, 20 दिन से मुसलसल ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं। इन उलमा को पूछ कर देखो, आशिफ तो वो थे जिनकी रोजाना ख्वाब में नबी से ज़ियारत होती थी। उनमें से इमाम मालिक फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का 1 दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस रात में ख्वाब में नबी को न देखा हो। हमें आशिकान, हमें आशिकान, आईने में खड़ के पूछो क्या हम आशिक हैं, आईने का जवाब आएगा फिर मेरे पास आ। हमें आशिकान, हमें आशिकान होते फिर नरसिमान नन की जुबान की गंदी ना होती, हमारे इश्क में कमी है। मुझे साफ कहने दो, आशिक हम होते दुश्मनों की जुबान बेफाइल होती। आशिकों के जमाने में किसी को माशूक के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत हुई? समझ रहे हैं? आशिकों के दौर में किसी को आशिकों के माशूक मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत तो दूर की बात, तसव्वुर भी नहीं था। आज क्या आशिक हूं, बदलो प्यारो, बदलो, अल्लाह के हो जाओ, दुनिया हमारी हो जाएगी, नबी के हो जाओ, जमाना हमारा हो जाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर मुल्का मुल्का फतह करना तो दूर की बात, तुम्हारे मेरे घर के अंदर हमारी गिरफ्त नहीं रहेगी। अल्लाह के हो जाओ, आखिरी मदद के लिए फरिश्ते उतर सकते हैं। कुरान की आयत पढ़ो तो ये उलमा उछल बैठेंगे, अल्लाह का वादा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लजीन आमनू मअ फिल हयातिद दुनिया वयौम यकूमुल अशहाद। मैं छेड़ कर जाना नहीं चाहता, ये आयत का क्या तर्जुमा है मेरे प्यारो? अल्लाह फरमाते हैं, ऐ गुलामा ने मोहम्मद तुम बदल जाओ, मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा जैसे मैं मेरे नबियों की मदद किया। बदल जाओ ऐ गुलामा ने मोहम्मद, मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा जैसे मेरे नबियों की मैं मदद किया, मेरे नबी मोहम्मद की मैंने मदद किया। बदर में जैसी मदद किया वैसी तुम्हारी करूंगा, ओहद में जैसी मदद किया वैसी तुम्हारी करूंगा, हुनैन में जैसी मदद किया वैसी तुम्हारी मदद करूंगा, तबूक में जैसी मदद किया वैसी तुम्हारी मदद करूंगा, फतेह मक्का में मैंने
नबियों की मदद के लिए जिब्राइल को उतारा, तुम बदल गए तो तुम्हारी मदद के लिए भी मैं जिब्राइल ही को उतारूंगा। तरसल मलाइका व रूह, तस्वीर उठाकर देखो, ये बात आ जाएगी आपको। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बायजीद जब माँ को कहती हैं, कहते हैं अब्बा 20 दिन से बाद में मैं नबी को देख रहा हूं, मां जायज पकड़ के साथ कहती है, क्या कहती है? जायज पकड़ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, बायजीद कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल हमारा है, कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल हमारा है बेटे। बायजीद ने पूछा, मां ख्वाब मैं देखा, नबी को मैं देखा, कमाल तुम्हारा क्या कमाल? बेटे राज था छुपा कर रखी, इंतजार था वक्त खत्म, राज था छुपा कर रखी, खुदा की जात से उम्मीद थी, इंतजार था 25-30 साल से, आज खत्म। बेटे आज तेरे ख्वाब में नबी की जियारत हो रही है, ये तेरे अमाल का बदला नहीं, तेरे बचपन में तुझे दूध पिलाते वक्त मैंने जो अमल किया उसका बदला तुझे मिल रहा है। दो काम के बगैर मैंने कभी तुझे दूध नहीं पिलाया मेरी आपा, आज तू यूट्यूब देखकर बच्चों को पालती है, गूगल हाथ में पकड़कर बच्चों को पालती है, मोबाइल देखते देखते तू बच्चों को पालती है, तेरा बेटा अबू बकर का गुलाम कैसे बनेगा, उमर का गुलाम कैसे बनेगा, उस्मान का कैसे गुलाम बनेगा, अल्लाह के नाम पर कैसे मरने का तमन्ना रखेगा। सुन हजरत बायजीद की अम्मा कहती है, बेटे लाल दो काम के बगैर मैंने तुझे 2 साल कभी दूध नहीं पिलाया, ये बगैर वजू के मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया, दूसरा बगैर दूध के दूध नहीं पिलाया, बगैर वजू के कभी मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया, दूसरा बगैर दूध के कभी मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया। मेरी माए क्या था जमाना वो, क्या थी नस्ले वो, आज क्या जमाना है, एक तरफ हमारे नौजवानों की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ तुम्हारी आजाद जिंदगियां, 20 में उलमा चक्की में मसाला पीसे जैसे पीसे जा रहे हैं, इधर देखे इधर दामन छूट रहा है, इधर देखे उधर दामन छूट रहा है, बैठने से पहले इरादा था तुम्हारे हाथों के मुबरिक के बारे में मैं कुछ कहूं, लेकिन मौका नहीं मिला, एक जुमला सुन लो कि तुम लाख बाप पर्दा हो, तुम्हारे तकवे का नंबर उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी जिंदगी मोबाइल से नहीं बचेगी। आज 50% से ज्यादा तन्हा मोबाइल ने तुमको बर्बाद कर रखा है, बल्कि जावेद भाई से मैं खुद गुजारिश करके इन उलमा से बात करके कभी खास और तुम की मजलिस में बात पर्दा बात करने के लिए आना चाहता हूं मौलाना, अगर वो समझ गई हालात बदल गए, अगर वो समझ गई हालात बदल गए, बात मुकम्मल कर रहा हूं, वजू की पाबंदी करो, सजा नौमानी दमन बरकातों का वाकिया बयान करना था, वजू की पूरी पाबंदी करो, तहज्जुद की पाबंदी करो। आज के जलसे के ये जो पैगाम है मैं शुरू किया था, कुरान के बाद सबसे ज्यादा मजा 2 आवाजों पर है, एक अजान की आवाज में, दूसरा नबी की नाम है। अजाना सीखो, सीखेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारे बच्चा को तुम्हें अजान दे, मौली साहब को तकलीफ में डालो, को इनको और भी काम आई, लेकिन तुम्हें हाँ भाई से भी देव बोलकर बोली, मैं काम बोल सकता हूँ हजरत को, तुम्हें बोल गए तो मेरे हाल, पहले अजान सीखो, बाद में तुम ना हुए सो नवास को, नवासी को, पोते को, पोती को, बेटे को, बेटी को तुम्हें अजान दो, लेकिन पहले सिक्को दो,
मुजम्मिल साहब बोले बाप अजान देना कैसे बोल को, बच्चा पैदा होते ही सीखे बगैर अजान दिए तो रोते रोते बच्चा खामोश होकर सोचेगा मैं पैदा हुआ तो रो रो इले बेगू रो रहा। अच्छी अच्छी अजान दो, ऐसी अजान दो। मैं भी अस्पतालों में जाकर अजान देता हूँ तो कई मेरे गैर मुस्लिम सेकुलर भाई खुद आकर कहते हैं गुरु जरा हमारे बच्चे को भी ऐसी आवाज पहुंचाओ, बराबर मैं उनको भी अजान देता हूँ। क्योंकि अल्लाह दिल अगर अजान किसी की खास प्रॉपर्टी नहीं, अल्लाह का नाम है सबके लिए अजान है, दिए तो ऐसी देना सुनने वाला मस्त हो जाना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बोलो बाबा, मरवाल की नजर मुर्गे की बकरा उतारना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मोहन साहब बन जाओ 1,00,000 रुपए तनख्वाह, 10,00,000 ये भी कमी। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، जिंदगी नहीं रखा है, वरना मुर्दों के जिंदा होने के लिए अजान काफी है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।